कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनकी इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम मंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सॉल्यूशंस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के मास के ऊपर नहीं, सॉल्यूट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप याद करो, आपने पढ़ी थी ना रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने एक बात देखी थी कि अगर मेरे पास कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, इसकी वेपर बनती है, इसमें मैंने क्या मिला दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो आपने बात देखी थी कि सॉल्यूट की खुद की तो वेपर बनेगी नहीं बनेगी ना, लेकिन वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भी वेपराइज होने से थोड़ा सा रोकेगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा होता है ऐसे केस में, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम था, नहीं समझे बात, तो सॉरी सॉल्वेंट का क्या था, ज्यादा था, और सॉल्यूशन में क्या होता है, कम होता है ना, तो कम कौन सा सॉल्यूशन का, ज्यादा किसका है, सॉल्वेंट का। तो ये क्या था, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या थी लोवरिंग इन वेपर, इसको आपने किससे भाग कर दिया, सॉल्वेंट के प्रेशर, तुम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर की लोवरिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड करने पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड करने पर जितना वेपर प्रेशर घट जाता है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर घट जाता है डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग बोलते हो ना। तो कमाल की बात यह है, अगर आपने एक मोल क्या मिलाया, बताओ अगर आपने एक मोल क्या मिलाया, सॉल्वेंट ए, सॉरी एक मोल आपने क्या मिलाया, सॉल्यूट एक्स मिलाया, सॉल्यूट एक्स क्या मिला आपने एक मोल, और एक मोल आपने क्या मिलाया, सॉल्यूट वाई, तो बेशक y का मोलिकुलर मास क्या हो, ज्यादा, और x का मोलिकुलर मास क्या हो, बेशक कम हो, लेकिन के मोल क्या है, बराबर। भाई अगर इसका मोलिकुलर मास कम है तो ये हल्का होगा, इसका मोलिकुलर मास भारी होगा ना, लेकिन इसका एक मोल मिला, इसका क्या मिला, एक मोल, तो जितना वेपर प्रेशर एक मोल x मिलाने पर घटता है ना, उतना ही वेपर प्रेशर कब घटेगा, एक मोल y मिलाने पर, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। यानी कि ये जब तक नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट करेंगे बराबर रहेंगे ना, नहीं आपको समझ, तब तक बताओ क्या रहेगा, वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोवरिंग क्या रहेगी, सेम आएगी। अगर मेरे पास तीन कंपाउंड है, कंपाउंड ए एक्स वाई जेड, एक्स भी क्या है नॉन वोलेटाइल, वाई भी क्या है नॉन वोलेटाइल, और जेड भी क्या है नॉन वोलेटाइल है, तो तीनों को मिलाने पर वेपर प्रेशर घटेगा, तीनों को मिलाने पर वेपर प्रेशर नहीं घटेगा क्या, पक्का घटेगा, एग्री करते इस बात से कि नहीं एग्री करते, तो काम करो आप, अभी मानो Z क्या है ज्यादा मॉलिक्यूलर मास रखता है, Y उससे, X क्या उससे हल्का, नहीं समझे बात, मान लिया एक मोल X क्या है 50 ग्राम का, एक मोल Y क्या है 70 ग्राम का, एक मोल Z क्या है 80 ग्राम का, तो इनके मास तो क्या है अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ मोल क्या है, लेकिन 50 ग्राम में एक मोल X है, 70 ग्राम में एक मोल Y है, 90 ग्राम में एक मोल क्या है Z है, तो आप 50 ग्राम क्या मिलाओ X, तब भी उतना ही वेपर प्रेशर घटेगा जितना 70 ग्राम Y मिलाने पर या 90 ग्राम Z मिलाने पर, क्योंकि मास बेशक अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या उनके सेम नहीं थे, क्योंकि एक मोल
एक मोल, नहीं आपको। तो ये जो प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर घटने की, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर, और किसी बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई। और जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ, यानी कि तुम तो क्या बोलते हो, कोलिगेटिव, ये आता मेरे ख्याल से कोलिगर से अच्छा आता कुछ भी। को का मतलब साथ, और लिगर का मतलब जुड़ी हुई, लिंक्ड। नहीं आपको, यानी जो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू किसके साथ लिंक्ड है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बदलेंगे ना, तो तभी इनकी वैल्यू बदलेगी और सेम आएगी। नहीं आपको? बोलो भाई। अगर एक मोल सोल्यूट मिलाने पर, नहीं आपको, अगर तीन अलग अलग कंपाउंड है उनके अगर मैं बराबर मोल मिलाता हूं, अगर मैं उनके बराबर मोल मिलाऊंगा तो रिलेटिव लोवरिंग क्या सबकी बराबर आएगी, चाहे कोई सॉल्वेंट, चाहे उसकी नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड ये नहीं करेगी। सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर। तो क्या बोले? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आगे आपको, और मैं आपको बताऊं भाई, ये चार प्रॉपर, ऐसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट। ओके, कौन कौन सी? एक होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, समझे बात? एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है आपको पढ़ाएंगे। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन, यानी कोई सोल्यूट मिलाने पर जिसे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उसमें नमक मिला दो फिर वो 0 डिग्री पे बर्फ नहीं बनेगा, थोड़ा उसको और ठंडा करना पड़ेगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट नहीं गया क्या? तो जितना घट गया मान लिया, अब वो -2 डिग्री पे क्या हो रहा है? फ्रीज। तो कितनी कमी आ गई? 2 डिग्री की। नहीं समझे बात? तो कितनी कमी आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में, ये डिपेंड करता है आपने सोल्यूट के मोल कितने मिलाए हैं। सोल्यूट के आपने, सोल्यूट ने कितने पार्टिकल्स वहां पर पैदा किए। नहीं आपको, अगर दो सोल्यूट है, एक उतने ही पार्टिकल्स पैदा कर रहा है सोल्वेंट में जाके जितने दूसरा पैदा कर रहा है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों का सेम क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट एक सा घटेगा भाई। नहीं आपको? मान लिया, आगे पसंद में। अच्छा, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये क्या होता है आपको पढ़ाएंगे, लेकिन चार ये प्रॉपर्टीज क्या हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? ये इंट्रोडक्शन हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, एलिवेशन, इन चार पढ़ना बहुत जरूरी भाई, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इनको आपको 1 by 1 पढ़ाऊंगा। ओके, और इनका एक सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? मॉलिक्यूलर मास निकालना। क्या मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, एम्पीरिकल फॉर्मूला से क्या निकालना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपको पता होगा एम्पीरिकल मास इंटू एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो एम्पीरिकल फॉर्मूला से आप क्या निकाल लेते हो? एम्पीरिकल मास, है ना? एम्पीरिकल मास इंटू एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। और एम्पीरिकल फॉर्मूला इंटू एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एन दोनों में सेम होता होगा ना, तो परसेंटेज कंपोजिशन के जरिए आप क्या निकाल लेते हो? एम्पीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, तो परसेंटेज कंपोजिशन से आपके पास क्या जाया करता? एम्पीरिकल फॉर्मूला आ जाया करता। लेकिन जब तक एन नहीं पता होगा मैं क्या नहीं निकाल सकता, फॉर्मूला नहीं आएगा ना, परसेंटेज कंपोजिशन से मेरे पास ये आ जाया करता। लेकिन ये नहीं पता तो ये नहीं आएगा ना, ये आ जाएगा तो इसी से क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन से पहले क्या निकाल लो?
एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या निकाल लो, एम्पेरिकल मास, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प से क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास। तो आपको अपने पता लग जाएगा इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, किया आ जाए, एन आ जाएगा, वही एन यहाँ इस्तेमाल कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नहीं आपको तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या मॉलिक्यूलर मास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है क्या? और मॉलिक्यूलर मास हम बताओ कैसे मालूम कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से। समझे बात? अब मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगले टॉपिक्स में, और उनसे देखेंगे उनसे हम कैसे क्या मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी पढ़नी है, और उनके हेल्प से आपने क्या निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास भी आपको निकालना आना चाहिए। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।